जय दोस्तों, और आज के हमारे सभी नवीन प्रबुद्ध दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गैजेट सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक्सिस बैंक ABY प्रोग्राम में हमारे उन सभी साथियों का जिनका सिलेक्शन हो चुका है। उनके पास कंफर्मेशन मेल आ चुका होगा कि आपका सिलेक्शन ABY प्रोग्राम के लिए हो चुका है। देन उसके बाद ज्वाइनिंग के जो प्रोसेस है वो क्या है, उसके बाद भी आपके पास एक मेल आया होगा जो कि कुछ इस तरह का होगा। आप इसे देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया गया है। सो फ्रेंड्स, ज्वाइनिंग के अगर प्रोसेस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 4 स्टेप हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको कौशन मनी डिपॉजिट करना होगा 2000 रुपी। आपको जो भी वर्क करना है दोस्तों, आपको बता दूँ 13 नवंबर से 25 नवंबर 2019 के पहले पहले आपको सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी, जो कि 4 स्टेप यहाँ पे जो दिए हुए हैं, इन सभी को आपको 13 नवंबर 2019 से 25 नवंबर 2019 के पहले पहले आपको सारे स्टेप को फॉलो करना होगा। तो पहला स्टेप ये कॉशन मनी आपको डिपॉजिट करना होगा। देन उसके बाद आपको एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम के लिए आपको 0 बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कराना होगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन कन्फर्मेशन करना होगा। देन उसके बाद अगर आप लोन लेना चाहते हैं या फिर सेल्फ फंड कैंडिडेट हैं, तो इसके बारे में भी आपको उन्हें बताना होगा। अब फ्रेंड्स, जानते हैं एक एक स्टेप को डिटेल में। जो पहली स्टेप है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट ऑफ कॉशन डिपॉजिट फीस 2000 रुपीज़, और यह आपको जमा करना होगा 13 नवंबर 2019 से 25 नवंबर 2019 के पहले। और दोस्तों, आपको बता दूँ, यह जो कॉशन मनी है आपको आफ्टर 4 मंथ्स ज्वाइनिंग के रिफंड हो जाएगी। और आपको इसे कैसे डिपॉजिट करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी डिटेल इसकी दी गई है। यहाँ पे आप सारी डिटेल पढ़ के और इस पे आप RTGS कर सकते हैं 2000 रुपए की। फ्रेंड्स, कॉशन मनी डिपॉजिट करने के बाद जो आपके पास डिटेल आएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगा है, यहाँ पे जो मेल आईडी है, इन्हीं में आपको ये सारी जानकारी आपको सेंड करना होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आपको एक्सिस बैंक में आपको 0 बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कराना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं, और भी सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने नजदीकी किसी एक्सिस बैंक ब्रांच में जाकर ये सारी इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद भी कुछ आपके पास कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देन थर्ड स्टेप है फ्रेंड्स, आपको ऑनलाइन कन्फर्मेशन करना होगा, और ये सारी प्रोसेस आपको 13 नवंबर से 25 नवंबर 2019 के पहले करनी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लिंक दी गई है, जिसमें आप ओपन करेंगे तो जो आपने कॉशन मनी डिपॉजिट की है, अकाउंट ओपन कराया है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे फीड करनी होगी और आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपका ऑनलाइन कन्फर्मेशन हो जाएगा, तो आप मणिपाल तथा MIT से इस प्रोग्राम को करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। देन उसके बाद 4th स्टेप है फ्रेंड्स, अगर आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो आप इस मेल के अटैचमेंट में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आपके पास जो मेल आया होगा, यहाँ पे जैसे इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे टू डाउनलोड द अटैचमेंट प्लीज़, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट हैं, जो भी ज़रूरी इंस्ट्रक्शन हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर दी गई है, उसको आप एक बार जरूर पढ़ें। सेल्फ फंडेड अगर आप करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर फीस आपको पेड करना होगा, या आपको डिपॉजिट करना होगा, या फिर आपको DD के माध्यम से भी MIT ग्लोबल बिजनेस स्कूल पेबल एट न्यू दिल्ली के नाम से भी आप DD बना के और इस एड्रेस पे सेंड कर सकते हैं। या आप यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस, और ये सारी डिटेल यहाँ पे भी जो दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको भी आपको ये जो मेल आईडी दी है इनमें आपको सेंड करना होगा। कोर्स फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें फ्रेंड्स, टोटल जो हो रहा है फीस वो रही है 2,02,614 रुपये। ये आपको एडवांस में पेमेंट करना होगा। देन उसके बाद आप सेकेंड जो आपकी इंस्टॉलमेंट होगी वो आपकी होगी 1,85,850 रुपीज़, आपको सेकेंड ट्रिमेस्टर में आपको जमा करना पड़ेगा। टोटल जो आपको फीस सबमिट करनी होगी वो है 3,88,464 रुपीज़। सो फ्रेंड्स, ये रही सारी इन्फॉर्मेशन। और दोस्तों, आपको बता दूं, किसी भी इन्फॉर्मेशन में अगर आपके पास डाउट है तो आप अपने नज़दीकी एक्सिस बैंक ब्रांच में ज़रूर विजिट करें और हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछें। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये इन्फॉर्मेशन हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने सेंड की है, मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप सबसे पहले देख सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।